एग्जाम देना पड़ेगा, हमें सब्जियां खरीदना पड़ेगा, तुम्हें भोपाल जाना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश से हिंदी में कैसे बोल सकते हैं और किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। शुरू कर दे दोस्तों आज का वीडियो बिना किसी देरी के। इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और वो फॉर्मूला ये होगा। इस तरह से, इस फॉर्मूले से जो है आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें आपको किसी वाक्य के अंत में पड़ेगा, पड़ेगी या फिर पड़ेगा सुनाई देगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर वी लिव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले से आप जो है इस तरह के सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं और अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों इसको समझते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ये रहे, उसे समझना पड़ेगा, ही विल हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू योर वर्क। उसे सब कुछ करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू एवरीथिंग। इस तरह से दोस्तों यदि आप प्रेजेंट में यूज करना चाहते हैं और पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो प्रेजेंट के लिए आपका हैज टू और हैव टू आता है, पास्ट के लिए आपका हैड टू आता है और फ्यूचर के लिए आपका विल हैव टू आता है। यदि आपको बोलना है उसे आना पड़ता है, ही हैज टू कम, तुम्हें जाना पड़ता है, यू विल हैव टू गो, यू हैव टू गो। इस तरह से